ईमान के रास्ते में सबसे पहली चीज जो हर मुसलमान के लिए जरूरी है वो तौहीद है। तौहीद के बगैर हम ना दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना आखरत में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता ला युश्रिक बिल्लाहि शैयन दखलन्नार, जो शख्स इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता ला युश्रिक बिल्लाहि शैयन दखलल जन्ना, जो शख्स इस हाल में मरा कि वह अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था वो जन्नत में जाएगा। ومن شهد الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله, और जो शख्स इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, حرم الله عليه النار, अल्लाह ने ऐसे शख्स के ऊपर जहन्नम को हराम करार दिया है। गोया कि मुवाहिद ये जहन्नम में नहीं जा सकता। जन्नत के रास्ते में पहली चीज जो बुनियाद है वो तौहीद। तौहीद के बगैर हम जन्नत नहीं हासिल कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि अगर तौहीद नहीं है तो इंसान के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। आप नमाज पढ़ लें, रोज़ा रख लें, ज़कात दें, सदका खैरात करें, हज और उमरा करें, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, आपके अखलाक कितने अच्छे और नेक ही क्यों ना हो, लेकिन तौहीद अगर नहीं है तो वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। तौहीद ये बुनियादी शर्त है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जितने नबियों को भेजा, जितने रसूलों, जितने पैगम्बरों को भेजा, उन तमाम के भेजने का मकसद यही था कि वो लोगों को तौहीद की दावत दें, लोगों को अल्लाह से जोड़ें। और मैं ये बात कहा करता हूँ कि हमारी भी दावत का नुक्ते आगाज तौहीद होना चाहिए। वो तमाम मजलिसें जिसमें तौहीद की बात न की जाए वो मजलिसें नाकिस हैं, वो मजलिसें अधूरी हैं। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है कि हम तौहीद को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिस करें और अपने मुतालिकीन तक हम तौहीद की बात को पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने नबी, जितने रसूल, जितने पैगंबर भेजे, उन तमाम का मकसद यही था कि लोगों को तौहीद की दावत दें। وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, हमने जितने रसूल, जितने नबी, जितने पैगंबर भेजे, उन तमाम का मकसद यही था, अनि इबुदु अल्लाह वाजतनिबु अत्तागूत, एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत से अपने आप को बचाओ। ये तागूत क्या है? अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की दुहाई देना, मुसीबत और परेशानी में किसी का नाम लेना, ये तागूत है। चाहे वो इंसान की शक्ल में हो, चाहे वो पत्थर की शक्ल में हो, चाहे वो शजर व हजर की शक्ल में हो, या वो कब्र की शक्ल में हो, अल्लाह से की जाने वाली चीज़ें, अल्लाह से की जाने वाली इल्तिजा और दुआएं अगर किसी इंसान या पत्थर या शजर या हजर की तरफ उसको मंसूब कर दिया जाए तो वो तागूत है, वो किसी भी शक्ल में हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों को भेजा कि लोगों को तौहीद की दावत दें और तागूत से बचाएं। तो ये रास्ता है जो हमको जन्नत तक पहुंचाने वाला है, तौहीद। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुवाहिद बनाए, अपनी ज़िंदगी के अंदर तौहीद को नाफिज करने की तौफीक इनायत फरमाए और अपने मुतालिकीन के और अपने पहचान वालों तक तौहीद का पैगाम पहुँचाने की अल्लाह हम सबको तौफीक इनायत फरमाए।